हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज त्रिकोणमिति के इस नए पार्ट थर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति पार्ट थर्ड। इसके पहले क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर एक तरफ टैन हो और एक तरफ कॉट हो, या एक तरफ साइन हो दूसरी तरफ कॉस हो, या एक तरफ सेक हो दूसरी तरफ कॉसेक हो, तो एंगल को जोड़कर 90 डिग्री कर देना है। एंगल को जोड़कर 90 डिग्री कर देना है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर टैन थीटा इधर इसको लाएंगे तो 1 बटा कॉट थीटा 2 बराबर 1 हो जाएगा। टैन थीटा 1 इंटू, अगर इसको कॉट थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो टैन थीटा 2 बराबर 1। आप जान गए, आप समझ रहे होंगे कि अगर टैन टैन गुना के रूप में हो और एंगल जोड़कर 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगर टैन टैन या कॉट कॉट गुना के रूप में हो तो एंगल जोड़कर 90 डिग्री आने पर उसका मान 1 होगा। क्योंकि मैंने यहाँ समझाया था आपको कि एक तरफ टैन एक तरफ कॉट हो तो एंगल जोड़कर 90। अगर ये दोनों एंगल का मान योग 90 डिग्री है जोड़ने पर, कौन कितना नहीं मालूम, बट इस थीटा को और इस थीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। इसके पहले हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। तो अगर इसी को इधर लाएंगे तो 1 बटा कॉट ऊपर जाएगा टैन बराबर 1, यानी अगर टैन टैन गुना के रूप में हो और एंगल जोड़ने पर 90 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। यही सेम प्रोसेस कॉट में भी लगेगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर टैन टैन और कॉट कॉट गुना के रूप में हो, जैसे टैन थीटा 1 इंटू टैन थीटा 2 बराबर 1, या कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 बराबर 1, देन आप कह सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, अर्थात अगर टैन टैन गुना के रूप में हो और एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। मतलब अगर एक तरफ टैन 30 हो, एक तरफ टैन 60 हो, तो आप ऐसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 60 और 30 90, यानी आंसर 1। आप चेक भी कर सकते हैं, टैन 30 का मान 1 बाई रूट 3, कॉट 30 का मान रूट 30, रूट 3 कटने पर 1 हो जाएगा। तो चलिए आइए इस पर कुछ सवाल करते हैं। लिखा हुआ था एग्जाम में टैन 2 थीटा इंटू टैन 4 थीटा बराबर 1, तो टैन 3 थीटा बराबर वाट। एक बार और एग्जाम में आया टैन एक्स प्लस वाई इंटू टैन एक्स माइनस वाई बराबर 1, टैन 2x बटा 3 बराबर वाट। देखिए, हमने देखा बराबर में 1 है, और अगर ये टैन टैन गुना के रूप में है, तो अगर टैन टैन गुना के रूप में है और बराबर में है तो ये दोनों एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर 15 डिग्री। थीटा का मान जो वैल्यू आया है वो मान यहाँ आप रख देंगे तो आपका ये हो जाएगा टैन 3 थीटा, मतलब 15 तिया 45, और टैन 45 का मान 1 होता है। यहाँ भी टैन टैन गुना के रूप में है और आपका बराबर में 1 दिया है, एंगल जोड़कर 90 डिग्री होगा। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 90, यानी आपका 2x बराबर 90। तो इसको आगे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि टैन 2x ही पूछा है। तो टैन 2x का मतलब आपका 90 और बटा में 3 है, यानी टैन 30,
और tan 30 का मान 1/√3। ये सेम प्रोसेस आपका कॉट में भी लगेगा, मतलब क्लियर है कि अगर tan tan गुना के रूप में हो और बराबर में एक दिया रहे तो एंगल जोड़कर हम लोग 90 डिग्री करेंगे। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री बराबर व्हाट? cot 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री बराबर व्हाट? देखिए tan tan गुना के रूप में हो और भी क्वेश्चन रह सकता है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपका tan tan गुना के रूप में है, अभी इसके पहले पढ़ा आपने कि अगर tan tan गुना के रूप में हो और बराबर में एक तो एंगल जोड़कर 90, अगर tan tan गुना के रूप में हो और बराबर में एक तो एंगल जोड़कर 90, और अगर tan tan गुना के रूप में हो एंगल जोड़कर 90 तो बराबर में 1। अगर tan tan गुना के रूप में हो अभी आपने पढ़ा और एंगल जोड़ने पर 90, सॉरी tan tan गुना के रूप में और बराबर में एक तो एंगल जोड़ने पर 90 करना है, और अगर एंगल जोड़ने पर 90 हो तो बराबर में एक होगा। फिर से समझिए, अगर tan tan गुना के रूप में हो, ये cot में भी लागू होगा, अगर tan tan गुना के रूप में और बराबर में एक तो एंगल जोड़कर 90, और अगर एंगल जोड़कर 90 तो बराबर में एक। तो यहाँ देखिए tan tan गुना के रूप में है और एंगल जोड़कर 90, इसका वैल्यू एक होगा। tan tan गुना के रूप में है एंगल जोड़कर 90, वैल्यू एक होगा, एक गुना एक आपका आंसर एक होगा। फिर से चलते हैं, ये नियम आपको cot में भी लागू होगा। तो cot 10 और cot 80 90 एक, 20 और 70 90 एक, और cot 60 है यहाँ पर, इसके लिए एंगल जोड़कर 90 को है ही नहीं, अकेले है, तो cot 60 का मान होता है 1/√3, और फाइनली आपका आंसर 1/√3 जाएगा। सही है, अगर tan tan गुना के रूप में होगा और एंगल जोड़कर 90 होगा तो इसका वैल्यू एक होगा, एक है 89 और एक 90 एक हो गया। दो इधर है, इसके पहले जस्ट चूंकि रेगुलर सीरीज जा रहा है तो इसके पहले tan 88 होगा, और 88 और 2 90, इसका वैल्यू भी एक होगा, और ये सीरीज चलता जाएगा और एक इसमें बीच में बच जाएगा, और वो बच जाएगा 45, और tan 45 का ऐसे भी मान एक होता है, गुना करने पर वैल्यू एक होगा। कुछ और भी सवाल चलते हैं। इसी क्वेश्चन का वैल्यू अगर cot 1 इंटू cot 2 इंटू cot सॉरी cot 2 इंटू cot 3 इंटू डॉट 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 cot 90 है, और ये सवाल अगर cos में भी चले, cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री डॉट 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 cos 189 डिग्री बराबर भाग। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिस पे ध्यान देना ज़रूरी होता है, आप उस पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो मिस हो जाएगा। लोग देखते हैं इसको और डायरेक्ट एक लगा के चले आते हैं, अरे भाई यहाँ पर cot 90 भी था, इस पे भी तो ध्यान देना था। आपको हम क्या बताएं अभी, अगर cot cot गुना के रूप में हो और एंगल जोड़कर 90 हो तभी वैल्यू एक देंगे, लेकिन ये अकेले ही 90 है, ये अकेले ही 90 है, तो अगे अकेले 90
ये तो खुद जीरो बना देगा। कॉट 90 का मान जीरो होता है, पहले इसके पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो अगर कॉट 90 का वैल्यू जीरो होता है और जीरो को किसी भी अंक से गुना करेंगे तो उसका आंसर तो जीरो ही जाएगा ना। आगे देखिए, टैन में भी उसको देख लेना कि कहीं टैन में गुना के में कहीं फॉर्म में जीरो तो नहीं है। अगर टैन में गुना के रूप में जीरो रहेगा तो वो भी जीरो कर देगा। जैसे हम साइन कॉस में भी देखिए इसको, आप कॉस 0 डिग्री का वैल्यू एक होता है, एक का नहीं मालूम, दो का नहीं मालूम, लेकिन ये लगातार का सीरीज चल रहा है 0, 1, 2 लगातार 189 तक, कहीं तो भाई कॉस 90 आएगा और कॉस 90 का वैल्यू जीरो होगा और जीरो का गुना इधर कुछ हो इधर कुछ हो उसका वैल्यू तो जीरो ही आएगा। जीरो को किसी अंक से गुना करने पर वो जीरो ही देता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चले इसके और आगे बढ़ाते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 ये है, या ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 2 रहे और थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 हो तो इसका वैल्यू 1 होगा। इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे? आप देखिए, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। आप यहाँ समझो, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस टैन साइन स्क्वायर 50 डिग्री। साइन स्क्वायर 50 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 40, और खुद समझिए साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 40। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि अगर साइन स्क्वायर रहे और डिग्री जोड़कर 90 हो तो उसका डायरेक्ट वैल्यू 1 देना। ये नियम कॉस में भी होगा। इसको टैन वाला में भी चेक कर सकते थे कि टैन 40 डिग्री इंटू टैन 50 डिग्री का वैल्यू देखिए। हम तो ऐसे अभी तुरंत बताया है कि टैन टैन गुना के रूप में रहेगा, एंगल जोड़ने पर 90 तो वैल्यू 1 होगा। आप चेक कर लीजिए, यहाँ भी टैन 40 इंटू टैन 50 को लिख सकते हैं टैन 90 माइनस 40। टैन 40 डिग्री इंटू टैन 90 माइनस थीटा आपका कॉट थीटा होता है और टैन इंटू कॉट बराबर 1 होता है। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट कहा कि अगर टैन टैन या कॉट कॉट गुना के रूप में हो तो एंगल जोड़कर 90 डिग्री आने पर उसका वैल्यू 1 होगा, और अगर बराबर में बन दिया है तो एंगल जोड़कर 90 होगा दो का। और उसी प्रकार अगर साइन साइन और कॉस कॉस रहे और स्क्वायर के रूप में हो और एंगल जोड़कर 90 डिग्री हो तो इन दोनों का जोड़ भी आपका 1 होगा। इन दोनों का जोड़ भी आपका 1 होगा। आप इस पर सवाल करिए। जैसे बहुत सिंपल सवाल है, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री बराबर 60, और है साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री प्लस टैन स्क्वायर 2 डिग्री इंटू टैन स्क्वायर 88 डिग्री बराबर 60। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस रूट 3 इंटू
tan 5 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री tan 85 डिग्री। देखिए कोई बात ही नहीं है, अगर साइन साइन या कॉस कॉस स्क्वायरिंग के रूप में हो और उसका एंगल जोड़कर 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो साइन स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर 69, 90 वैल्यू 1, साइन स्क्वायर 7.5, साइन स्क्वायर 82.5 एंगल जोड़कर 90 वैल्यू 1, और टैन टैन गुना के रूप में हो या कॉट कॉट गुना के रूप में हो एंगल जोड़कर 90 हो तो वैल्यू 1, बट पावर दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि पावर अलग होगा तो फिर कटेगा नहीं और इसका वैल्यू 1 आ नहीं पाएगा। वैसे भी आपको अगर रहेगा तो पावर सेम ही रहेगा, टैन टैन गुना या कॉट कॉट गुना के रूप में हो और स्क्वायर और एंगल जोड़कर 90 हो तो उसका वैल्यू 1, पावर सेम है होना चाहिए। अगर पावर नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2 88 90 का वैल्यू 1 और 1 1 आपका 2 हो गया। यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 65 एंगल जोड़कर 90 वैल्यू 1 हो गया, ये रूट 3 रहेगा। और ये देखिए टैन 5 और 85 90 वैल्यू 1, 15 और 75 90 वैल्यू 1, और टैन 30 अकेले बच गया तो उसका अकेले वैल्यू रखोगे टैन 30 का मान 1/√3, ये कट जाएगा और फाइनली आपका आंसर 2 होगा। तो मैंने अभी दो जगह आपको ये बताया है कि टैन टैन या कॉट कॉट गुना के रूप में हो एंगल जोड़कर 90 हो तो उसका वैल्यू 1 देंगे, और अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जोड़ के रूप में हो और एंगल जोड़कर 90 हो तो उसका वैल्यू भी 1 ही दोगे। चलिए चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। अगर साइन थीटा 1 हो और आपका कॉस थीटा 2 हो, या टैन थीटा 1 हो और कॉट थीटा 2 हो, या सेक थीटा 1 हो और कॉसेक थीटा 2 हो, इस फॉर्म में अगर हो तथा थीटा 1 प्लस थीटा 2 जोड़कर 90 हो, यानी साइन बटा कॉस हो, टैन बटा कॉट हो, या आपका सेक बटा कॉसेक हो, एंगल जोड़कर 90 हो तो उसका वैल्यू 1 देंगे आप, यानी तुरंत इसका वैल्यू 1, जोड़कर 90 वैल्यू 1, जोड़कर 90 वैल्यू 1। ये इस प्रकार हुआ कि साइन थीटा अबटा अगर यहाँ पर जैसे मान लिया जाए साइन 40 डिग्री हो और बटा साइन सॉरी कॉस 50 डिग्री हो, फटाक से जोड़ेंगे 40 50 90 वैल्यू 1। ये कैसे आया वो देखिए, साइन 40 और कॉस इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 40, और जैसा कि आप जानते हो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया आपको कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और ये कटने पर 1 होगा और सिमिलरली सब वैसा ही होगा। तो आप समझ सकते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करिए कि अगर साइन बटा कॉस, टैन बटा कॉट या सेक बटा कॉसेक हो एंगल जोड़कर 90 हो वैल्यू 1 होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। लिखा हुआ था एक एग्जाम में साइन 27 बटा कॉस 63 का स्क्वायर प्लस कॉस 63 बटा साइन 27 का स्क्वायर बराबर भाग, फिर आगे लिखा हुआ था साइन 43 बटा कॉस 47 प्लस कॉस 19 बटा साइन 71 माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 बराबर भाग। चलिए
एक सवाल लिखा हुआ था, टू साइन 68 बटा कॉस 22 माइनस टू कॉट 15 बटा 5 टैन 75 माइनस 3 टैन 45 इंटू टैन 20 इंटू टैन 40 इंटू टैन 50 इंटू टैन 70 और बटा में था आपका 5। देखिए बताया है साइन बटा कॉस हो एंगल जोड़कर 90 वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, कॉस बटा साइन हो एंगल जोड़कर 90 वैल्यू 1, आंसर 2। यहाँ देखिए बस थोड़ा सा थ्योरी ध्यान में रखिए, बहुत आसान हो जाएगा। 47 43 90 वैल्यू 1, 19 71 90 वैल्यू 1, ये आपका 8 कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 × 2 = 8, 2 में से 2 जाएगा 0। यहाँ देखिए साइन 68 और कॉस 22 एंगल जोड़कर 90 वैल्यू 1, 2 माइनस कॉट 15 75 90 वैल्यू 1, 2/5 माइनस, आगे देखिए ये आपका टैन 45 तो 1 होगा, 70 20 90 1 होगा, 40 50 90 1 होगा, यानी माइनस 3/5। एलसीएम 5 रहेगा, 5 × 2 = 10 माइनस 2 माइनस 3 यानी 5/5, आंसर आपका 1। बस छोटा छोटा बात ध्यान रखना है कि टैन टैन या कॉट कॉट गुना के रूप में हो, एंगल जोड़कर 90 वैल्यू 1, उसके बाद अगर आपका साइन बटा कॉस टैन बटा कॉट सेक बटा कॉस एक एंगल जोड़कर 90 वैल्यू 1, उसके बाद आपका बताया साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कैस स्क्वायर हो एंगल जोड़कर 90 तो वैल्यू 1। चलिए आगे चलते हैं, एक बार आपका क्वेश्चन था साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर भाग, और है आपका साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। एक सवाल है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री बराबर भाट। देखिए जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि अगर टैन टैन या कॉट कॉट गुना के रूप में हो एंगल जोड़कर 90 तो वैल्यू 1 होगा, और अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के रूप में हो एंगल जोड़कर 90 तो वैल्यू 1 होगा, या साइन बटा कॉस टैन बटा कॉट या सेक बटा कॉसेक एंगल जोड़कर 90 हो तो उसका वैल्यू भी 1 ही होगा। तो चलिए इसको और आगे करते हैं, हमने देखा यहाँ साइन स्क्वायर 5 है और ये अकेले 90 है तो आप इसको छोड़ दीजिए, और साइन स्क्वायर 5 और 85 90 ये दोनों मिला के 1 वैल्यू देगा, और
85 के पहले 80 रहा होगा, क्योंकि 5-5 का डिफरेंस चल रहा है इस सीरीज में, तो 10 और 80 90 हो जाएगा, उसके पहले 75 रहा होगा। यानी ये ऐसा सीरीज है जिसमें दो गो को जोड़कर आपका 90 होता है और उसका वैल्यू 1 होता है, और ये साइन स्क्वायर 90 जो है अकेले 1 देगा, साइन स्क्वायर 90 जो है अकेले 1 देगा, और ये दो गो मिलकर 1 देगा, दो गो मिलकर 1 देगा। तो आप बताइए 5 से 85 तक में कितना टर्म है, 5 से 85 तक में कितना टर्म है, और दो टर्म मिलकर 1 का निर्माण करेगा, दो टर्म मिलकर 1 का निर्माण करेगा, और इसमें कितना टर्म है आपको निकालना है। तो मैं टर्म निकालने का नियम बताता हूँ। देखिए टर्म कितना कैसे निकलेगा कि कितने टर्म है, लास्ट माइनस फर्स्ट, कॉमन डिफरेंस प्लस अपने मन से वन। अगर आप लास्ट में से फर्स्ट घटाकर कॉमन डिफरेंस से भाग देंगे तो और उसके बाद 1 जोड़ देंगे तो आपको टर्म की संख्या पता चल जाएगा। 85 में से 5 जाएगा 80, 80 बटा 5 16, 1 17, तो दो टर्म मिलके 1 बनाएगा, दो टर्म मिलकर 1 बनाएगा, तो 17 टर्म में 16 टर्म तो 8 बना देगा, 16 टर्म तो 8 बना देगा, बाकी एगो बचेगा 17 में, तो 17 में एगो कौन बचेगा, वो पक्का 45 बचेगा। और साइन 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2, और ये 90 वाला 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 9.5। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ हो तो फिर से इसको रिपीट करके देखिए। साइन स्क्वायर 1 से साइन स्क्वायर 89, 1 89 90 वैल्यू 1, 2 88 90 वैल्यू 1, 3 87 90 वैल्यू 1, मतलब दो टर्म मिलकर 1 का निर्माण करेगा, दो टर्म मिलकर 1 का निर्माण करेगा, यानी 89 और 1 90 मिलकर 1 का निर्माण करेगा, उसी प्रकार 2 88 मिलकर 90 1 का निर्माण करेगा। और इसमें कितने टर्म है ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, 1 से 89 तक में 89 टर्म होगा। अगर इसमें 89 टर्म होगा तो सोचिए 88 टर्म मिलकर तो 44 बनाएगा, 88 टर्म मिलकर 44 बनाएगा, और 1 बच जाएगा 45, उसका 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी आपका 44.5, या डायरेक्ट भी 89/2 44.5 होता है, या यहाँ भी कर सकते थे 17 का आधा 8.5, यहाँ 8.5 हो गया, 90 का 1 हो गया, 2 खत्म। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 1 से साइन स्क्वायर 89, पहले तो हमको इसमें टर्म निकालना पड़ेगा, क्योंकि 90 तो है नहीं, 90 होता स्पेशली उसको 1 करते, अब बाकी इधर करते। तो देखिए इसमें जो 1, 5 और 9 4-4 का डिफरेंस चल रहा है, यानी 89 के पहले 4 कम साइन स्क्वायर 85 रहा होगा, और साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 90 1, 5 और 85 90 1, यानी दो दो टर्म मिलकर 1 बनाएगा। कितना टर्म है, टर्म की संख्या लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस अपने मन से 1, 89 में से 1 जाएगा 88, 88 बटा 4 22, 22 1 23, 23 टर्म है, और दो टर्म मिलके 1 बनाएगा, तो 23 टर्म मिलके 11.5 बनाएगा, क्योंकि 22 को मिलकर 11 बनाएगा, 22 को मिलकर 11 बनाएगा, एगो 45 बन जाएगा, 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा। तो आज मैंने आपको पढ़ाया, अगर tan tan गुना के रूप में हो तो, या cot cot गुना के रूप में हो, एंगल जोड़कर 90 तो वैल्यू 1, या तो आपका sin बटा cos, tan बटा cot, या sec बटा cosec हो, एंगल जोड़कर 90 तो वैल्यू 1, और या तो sin square या cos square के फॉर्म में हो,
एंगल जोड़कर 90 तो उसका वैल्यू 1 होगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर से अगले वीडियो में चलेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 4। और जब मैं एलजेब्रा पढ़ा रहा था तो आप लोग कह रहे थे त्रिकोणमिति पढ़ाओ, जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कह रहे हो कमर्शियल मैथ बताओ, पहले एडवांस मैथ तो ख़त्म होने दो, उसके बाद सब चीज़ सीरियल वाइज तो पढ़ाऊँगा। और कुछ लोग अब बोल रहे हैं रीजनिंग पढ़ाओ, तो पहले मैंने एडवांस मैथ का वादा किया है, एडवांस मैथ ख़त्म करूँगा, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या मैं पढ़ाता हूँ। अब बहुत जल्दी मैं रीजनिंग का वीडियो भी आपके लिए लाने वाला हूँ जो रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट्स होगा, और रेलवे का कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का वो मैं आपका वीडियो बहुत जल्दी अवेलेबल करवाऊँगा, पहले एडवांस मैथ मैं ख़त्म कर दूँ उसके बाद। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहो और ईश्वर आपको सफलता जरूर दिलाएगा। टाटा, बाय बाय।